रीवा जिले में पिछले कुछ महीनों से आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अपराधियों के हौसले बढ़ने के साथ ही जिले के लोगों में भय का वातावरण निर्मित हुआ है। रीवा पुलिस ने जनता से संवाद स्थापित करने के साथ ही जिले को नशा मुक्ति से जोड़ने के लिए जो प्रयास करने का दावा कर रही है, वह उसी की कार्यवाही से अवैध कारोबार की पोल खुलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद एक दिन में सैकड़ों मामले दर्ज हो जाते हैं, तो क्या इसके पहले यह कारोबारी शांत बैठे थे या इस अभियान के बाद शांत बैठ जाएंगे, जो सोचने वाली बात है। आखिर किसके इशारे पर इतना व्यापक अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जो लूट, चोरी, हत्या, अपहरण जैसे अपराधों को जन्म दे रहा है। आखिर व्यवस्थाओं में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को क्यों नहीं मिला है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र की बात करें तो प्रतिदिन बलात्कार, मारपीट, चाकूबाजी, हत्या, लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इन सब घटनाओं की मुख्य वजह लोगों में अशिक्षा व जागरूकता की कमी के साथ साथ हर मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। रेप और महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसी घटनाएं रीवा जिले में तेजी से बढ़ी है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों है, यह बात समझ से परे है, लेकिन रीवा पुलिस कप्तान को बिना राजनैतिक के सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य करते हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में आया है, जहां एक फिर युवक की हत्या की गई है। पुलिस कप्तान नवनीत भसीन के नेतृत्व में हत्याओं के मामले में नया इतिहास बनाने जा रही है। जितनी हत्याएं पिछले पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के पूरे कार्यकाल में नहीं हुई, उससे ज्यादा बलात्कार, हत्याएं, लूट, चोरी, अपहरण की घटनाएं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के एक वर्ष से भी कम कार्यकाल में हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना पर तत्काल थाना स्टाफ पहुंचा, उन लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके तत्काल बाद हमने FSL की पूरी टीम को, यूनिट को रवाना किया, जिससे कि वो वहाँ पर साइंटिफिकली अपना एविडेंस कलेक्शन कर सकें। अभी तक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनके पहचान का व्यक्ति आए तो हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया चूँकि जिस व्यक्ति की वहाँ बॉडी प्राप्त हुई है उसको पत्थर से कुचलकर हत्या करना प्रतीत हो रहा है, उस क्रम में हम लोगों ने अभी हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं।